हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने बनाया है वेजिटेबल नूडल्स जो कि बच्चे और बूढ़े सबको बहुत पसंद आते हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये खिले खिले से चाउमीन बनाया है। आप भी एक बार मेरे तरीके से बना के देखें, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। मैंने वेजिटेबल्स यूज किया है, फ्रेंच बीन, कैप्सिकम, गाजर, अनियन, तो ग्रीन चिली और एक आध गार्लिक की नूडल्स की। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गार्लिक को कद्दूकस कर लिया है और गार्निश के लिए लिया है स्प्रिंग अनियन, इसे भी काट रखा है, और सारे वेजिटेबल्स को लंबाई में काट रखा है। चलिए अब सॉस रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 स्पून टोमेटो सॉस, 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून ग्रीन चिली सॉस। अब मैं तीनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। ये बिना सिरके के भी बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा लिया है। इसमें डाला है 1 स्पून वेजिटेबल ऑयल की। पानी में बुलबुले आ रहे हैं। अब मैं नूडल्स को डाल देती हूँ। इसे अच्छे से पानी में डिप कर लें। फ्लेम को हाई करके 1 मिनट तक कुक कर ले। देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स के बंडल खुल चुके हैं। आप इसे बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहें क्योंकि हमें नूडल्स पार्सली कुक करना है। फ्रेंड्स, ये नूडल्स को कुक होने में 5 मिनट लग जाते हैं। आप इसे ऐसे ही चलाते रहें ताकि ओवर कुक ना हो जाए। अगर नूडल्स बनाना है तो सबसे पहले बॉईल अच्छे से करना पड़ता है, तब जाके चाउमीन बहुत अच्छी बनती है। चलिए फ्रेंड्स, इसे चेक कर लेते हैं। आप हाथ में नूडल ले लें और ऐसे प्रेस करके देखें। अगर हल्की पतले से धागे बन रही है तो ये परफेक्ट टाइम है इसे पानी से अलग कर लेने का। चलिए अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और पानी को अलग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया है। अब इसे हाथों से हल्के हल्के अलग कर लें। आप चाहे तो यहाँ पे 2 स्पून ऑयल यूज़ कर सकते हैं ताकि आपस में ना चिपके नूडल्स, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं वेजिटेबल्स फ्राई करूंगी। इसके लिए मैंने 1 बिग स्पून ऑयल ले लिया है। मैं डालती हूँ इसमें ग्रीन चिली। चिली को भी मैंने लंबाई में ही काटा है, और साथ में डाल देती हूँ अनियन को। इसे भी सौते कर लेते हैं अच्छे से। अनियन हो चुकी है, अब इसमें ग्रीन वेजिटेबल डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गाजर, बीन और शिमला मिर्च। आप चाहे तो पत्ता गोभी या फिर आपके ऑप्शनल की सब्जियाँ यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से चला लें और थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। हमें यह ध्यान रखना है कि सब्जियों को ओवर कुक नहीं करनी है। नूडल्स में क्रंची सब्जियां ही अच्छी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां हमारी भुन चुकी है। इसे मैं अलग कर लेती हूँ। अब
अब मैंने पैन में 1 स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें मैं कद्दूकस करके जो रखा था गार्लिक वो डाल देती हूँ। गार्लिक भी हमारी भून चुकी है। अब इसमें 1 स्पून डाल दूँगी चाउमीन मसाला। मैंने यहाँ चिंग्स का चाउमीन मसाला यूज़ किया है। अब मैं डाल देती हूँ सॉस जो मैंने मिक्स करके रखा था, इसे भी भून लें थोड़ी देर। देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से नूडल्स बनाओगे तो आपकी नूडल्स भी परफेक्ट बनेगी। मिक्स कर ले। अब मैं सारे नूडल्स डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, मैंने सब्जियों में भी नमक नहीं डाला था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। आप चाहे तो यहाँ पे फोक का भी यूज कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। सॉस अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब मैं सब्जियों को डाल देती हूँ और इसे भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया है और नूडल्स बनके तैयार हो चुकी है। और सारे नूडल्स अलग अलग बने हैं, बिल्कुल नहीं चिपके हैं आपस में। चलिए इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। मैंने गार्निश किया है स्प्रिंग अनियन से और ऊपर से डाल दिया है कटा प्याज। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार है इजी वेज में बनी हेल्दी एंड टेस्टी चाउमीन। इसे खा के आप भी खुश हो जाओगे और आपकी टमी भी। आप चाहे तो ऊपर से टोमेटो सॉस डाल सकते हो। आप इंजॉय करें नूडल्स को। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। टेक केयर एंड बाय बाय।